हेलो जिक्स, कैसे हैं आप सब। आज एक लंबे अरसे के बाद मैं पुठे पॉइंट ऑफ व्यू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। वो मूवी आई थी ना एक, मैं पंजाब नहीं जाऊंगी, आज वाइट साइड प्रोडक्शंस की जानिब से पेश खिदमत है मैं पंजाबी नहीं बोलूंगी। पिछले दिनों एक क्लिप वायरल हुआ जिसमें एक खातून ट्रैफिक वार्डन को लताड़ी थी कि आपने मेरे से पंजाबी में क्यों बात की है। उन खातून की नज़र में पंजाबी में बात करना एक बदतमीजी थी और उस वजह से उन्होंने पूरा आसमान सर पर उठाया हुआ था। क्या बदतमीजी हुई है? No, he said me in like Punjabi language, मैडम जी, आप जरा ग्राम से हमसे ना शीशा नीचे करके बात करिए, तो गुदा हल्ला ही सही। मुझे बदतमीजी की है सर। He should say me sorry। नहीं, आपसे वो कुछ मांगना चाह रहे थे। क्या मांगना चाह रहे थे आपसे? मांगना नहीं चाह रहे थे। He said me in Punjabi something bad. He should talk to me in decent language. This is not the way. उसके बाद वही हुआ जो होना था। सोशल मीडिया पर उन खातून को अच्छा खासा लताड़ा गया। लोगों ने उनकी फुल बैशिंग की, फुल ट्रोलिंग की कि आपने क्यों ऐसे, आपकी जरूरत कैसे हुई है कि पंजाबी के बारे में आपने ऐसी बात की है, पंजाबी बोलना बदतमीजी है क्या। मतलब वही हुआ जब किसी की गलती सोशल मीडिया पर सामने आ जाए, फेसबुक, ट्विटर या यूट्यूब वगैरह पर। वैसे तो हम बड़े पाकबाज कौम हैं, मतलब हम तो अपनी महफिलों में बहुत ही अच्छे अंदाज से एक दूसरे से बात करते हैं। हम किसी की कोई बुराई नहीं करते। हम कहते हैं अस्सलाम वालेकुम दोस्त, आप कैसे हैं, ठीक हैं, आज आपने अपने अम्मी अबू का सारा कहना माना था ना, ठीक है ना। मैं आपके घर में जब एंटर हुआ था तो मैंने 3 बार नॉक किया था, मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैंने आपको कोई गालियाँ दे के बाहर नहीं बुलाया। हम तो हमेशा अच्छे तरीके से एक दूसरे से बात करते हैं, हमारे अखलाक बहुत अच्छे हैं। क्योंकि हमारे माशरे में बुराई तो सिर्फ वही है ना जो नज़र आ जाती है या सोशल मीडिया पर लग जाती है। वैसे तो हम बहुत ज़बरदस्त इंसान हैं, वी आर अ वेरी पायस नेशन। मसला यही है कि जिन चीज़ों को हम सोशल मीडिया पर देखकर आपे से बाहर हो जाते हैं, मतलब मॉरल ब्रिगेड के कमांडर बन जाते हैं, कमांडर रहील शरीफ बन जाते हैं, क्या वही गलतियाँ हम खुद नहीं करते? ज़रा सच बताइएगा। अब क्या पंजाबी को रिजेक्ट करने वाली सिर्फ अकेली वही खातून है पंजाब में? क्या हमारे पूरे पंजाब में एक ऐसा कल्चर नहीं बन गया, स्पेशली शहरों में, कि पंजाबी को एक बहुत ही निचली गिरी हुई ज़ुबान का हमने रुतबा दे दिया हुआ है? मतलब हमने तो उसके साथ ऐसा सलूक किया कि हमने वो ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी है कि आपके जो सर्वेंट्स हैं, आपके जो काम वाले हैं, आपके नौकर हैं, आप उनसे जब बात करते हैं ना पंजाबी में तो आप अपने आप को बहुत कूल फील करते हैं। उसके अलावा आप अपने सारे इंस्टीट्यूशंस देख लें, स्पेशली आपके जो अच्छे अच्छे स्कूल्स हैं जिनमें आपके बहुत ही मतलब लाइक फाइव बच्चे पढ़ते हैं, अच्छे घरानों के बच्चे आते हैं, वहाँ पर तो उर्दू भी बोलना मतलब पेंडुनेस की निशानी समझा जाता है, तो पंजाबी तो बहुत दूर की बात है बॉस। तो जब आपके पूरे माशरे में एक कल्चर है जिसमें आपने पंजाबी को तबाह कर दिया, टोटल रिजेक्ट कर दिया, तो सिर्फ उस खातून को हम क्यों लताड़ रहे हैं? मुझे इस चीज़ का जवाब चाहिए। और वैसे भी किसी को कैंसिल करने का कल्चर, किसी को लताड़ने का कल्चर, सिर्फ उसकी एक गलती कोई नज़र आ जाए सोशल मीडिया पर, वो तो हम ऐसे करते हैं जैसे हमसे पायस कोई है ही नहीं भाई पूरी दुनिया में। और हम बिल्कुल ये अंदाज़ा नहीं कर सकते कि यार अगला बंदा हो सकता है किसी परेशानी का शिकार हो, कोई डिप्रेशन का शिकार हो, कोई उसका गलत टाइम चल रहा हो, बुरा टाइम चल रहा हो, लेकिन हम नहीं देखते जी। हम कहते हैं कि यार हम आ गए हैं जी मॉरल ब्रिगेड के कमांडर, सबसे पायस लोग हैं हम, किसी को हमसे बर्दाश्त नहीं होता बुराई, हमसे बुराई नहीं देखी जाती यार, इसलिए हम लताड़ते हैं। अब हम बात करेंगे पंजाबी लैंग्वेज की अहमियत के बारे में, जिसको हम बहुत ही फख्र से धुतकारते हैं कि ये हमारी लैंग्वेज नहीं है, हम इसको डिसओन करते हैं, हम इसको बोलने से कतराते हैं कि यार हमारा कहीं स्टेटस कम ना हो जाए। तो आज की इस वीडियो में कुछ ऐसे फैक्ट्स मैं आपके सामने रखूंगा, कुछ ऐसा पर्सपेक्टिव मैं आपको दिखाऊंगा कि हो सकता है उससे हमारी आंखें खुल जाएं, और बताएंगे कि जिस कल्चर को, जिस पंजाब को, जिस पंजाबी लैंग्वेज को हम धुतकारते हैं ना, वो कितनी बड़ी चीज़ है। अब पंजाबी एक एथनिक ग्रुप है, इस वक्त दुनिया में 10,000 से लेकर 1,00,000 तक इंडिजिनस ग्रुप्स या एथनिक ग्रुप्स आबाद हैं, मतलब जिनकी अपनी लैंग्वेज है, अपना कल्चर है, अपनी सोशल बॉन्डिंग है, उनकी अपनी हिस्ट्री है, यूनिक हिस्ट्री हर जगह की होती है। जैसे डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स हैं दुनिया में जिनकी बेसिस पर कई ममालिक कायम है, जैसे कि इटली, जापान, स्पेन, टर्की, जर्मनी, इंग्लैंड, ये सारे मतलब स्पेशल एथनिसिटीज़ की पैदावार हैं। मेजॉरिटी ऑफ द लोग जो वहाँ पर रहते हैं उनका ताल्लुक किसी एक मेजर एथनिक ग्रुप से होता है, उसकी बेस पर वो कंट्री, पहले वो सोसाइटी बनते हैं फिर वो कंट्री बन जाते हैं। और हमारा जो पंजाब है ना, हमारी पंजाबी, वो दुनिया का 7वां बड़ा एथनिक ग्रुप है।
अब दुनिया के कुछ प्रोमिनेंट एथनिक ग्रुप्स की बात करें ना, जैसा कि इटालियंस, स्पेनिश, जर्मन, फ्रेंच, इंग्लिश, थाई, चाइनीज, जैपनीज, अरब्स, ये सारे के सारे अपने कल्चर को फॉलो करते हैं, अपने एथनिक ग्रुप की जो स्पेसिफिकेशन है, जो उसके क्रेडेंशियल्स हैं उसको फॉलो करते हैं, जैसा कि वो अपने कल्चर को, अपनी लैंग्वेज को वो यूज़ करते हैं, वो अपनी लैंग्वेज पर फ़ख्र करते हैं, चाहे जितने मर्जी बड़े अहदे पर चले जाएँ, मेसी और रोनाल्डो, वो अपनी ज़ुबान को, आपने देखा होगा कि वो कभी भी इंग्लिश में बात नहीं करते क्योंकि उनको आती नहीं है इंग्लिश प्रॉपर, क्योंकि उनके मुल्क में वो कल्चर नहीं था कि जी हमने इंग्लिश को सलाम करना है। जर्मन चांसलर की अगर बात करें तो इस वक्त वो वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लीडर्स में से हैं, वो अपनी लैंग्वेज बोलती हैं। ये जो कंट्रीज़ हैं ना, जैसे इटली, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, जापान या थाईलैंड वगैरह, जहां हम भाग भाग कर जाते हैं, जिनका टूरिज़्म बड़ा टॉप पर है, ये कंट्रीज़ हमें बड़े पसंद है। क्यों हम लोगों को ये पसंद है? क्योंकि ये लोग अपने कल्चर को एम्ब्रेस करते हैं, अपनी लैंग्वेज ये बोलते हैं वहाँ पर, और इसी वजह से इनका जो टूरिज़्म है वो टॉप पर है दुनिया के। अपने कल्चर को अडॉप्ट करने की वजह से ये पूरी दुनिया से इतना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। अब ये जो पंजाब है हमारा, हमारी जो पंजाबी है, ये इसी लेवल का कल्चर है। ये जो मैंने आपको टॉप कंट्रीज़ बताए हैं, हमारे पंजाब में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, बहुत रिच कल्चर है हमारा, लेकिन हमारी पता नहीं कैसी अवाम बन गई है कि अपने ही कल्चर को, अपनी ही ज़ुबान को इम्ब्रेस करने से घबराते हैं, उसको डिसोन करते हैं कि कहीं जी हमारा रुतबा ना कम होना शुरू हो जाए। बड़े ही अफसोस की बात है। अब अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में कोई एक या दो एथनिक ग्रुप्स आबाद नहीं है, ये एक खूबसूरत मुरक्कब है डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स का, डिफरेंट यहाँ पे कौमें बसती हैं। जैसे कि हम गिलगित बल्तिस्तान से लेकर अगर सिंध तक देखें तो डिफरेंट लोग आबाद हैं, डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स आबाद हैं, जिसकी हर एथनिक ग्रुप की अपनी एक यूनिकनेस है, अपनी खूबसूरती है। जैसे कि सिंधी हैं यहाँ पे, बलोच लोग हैं, सराइकी हैं, पश्तूनज हैं, पंजाबी हैं, पोटोहारी, हिंदको, हज़ारवी, कश्मीरी, ब्रोशो, शीना, वखी, कैलाशी, इतनी ज़्यादा यहाँ पे ज़बरदस्त किस्म की एथनीसिटीज़ आबाद हैं जो हमारे मुल्क को खूबसूरत बनाती हैं मिलकर। इसी तरह अगर हम बात करें तो बंगाली एक बहुत बड़ा एथनिक ग्रुप है, और बांग्लादेश की जो पहचान है ना, वो उनके अपनी एथनीसिटी की वजह से है। जो बंगाली उनका एथनिक ग्रुप है वो उनकी पहचान है, उसी वजह से वो पूरी दुनिया के मैप पर वो पहचाने जाते हैं कि ये है बांग्लादेश जहाँ पर बंगाली लोग हैं। तो दुनिया के जिस कोने पर भी चले जाएँगे ना, तो अगर वो अपना तारुफ करवाएंगे, वो कहेंगे जी हम बंगाली हैं, फ़ख्र से कहते हैं। हर कंट्री फ़ख्र से कहते हैं, यार मैं इटालियन हूँ, मैं फ्रेंच हूँ, मैं जैपनीज़ हूँ, मैं थाई हूँ, या मैं चाइनीज़ हूँ, मतलब हर बंदा फ़ख्र से बताता है। वो फ़ख्र हमें क्यों नहीं फील होता? अगर हमने अपने एथनिक ग्रुप, अपने कल्चर, अपनी ज़ुबान को एम्ब्रेस किया होता ना, तो आज हमारा भी जो GDP वो कई गुना ज़्यादा होना था, हमारी इकॉनमी, हमारा टूरिज़्म, हर चीज़ मतलब किसी और ही लेवल पर होनी थी। मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ, हमारे जो सिख भाई हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब इसमें रोल प्ले किया कि पंजाबी कल्चर को उन्होंने ज़िंदा रखा है। क्या बात है भाई, पूरी दुनिया में उन्होंने अंग्रेज़ों को नचाया अपने गानों पर, अपनी लैंग्वेज पर, अपने धमाल पर, अपने जो उनके वो भंगड़े होते हैं उस बेस पर पूरी दुनिया के लोगों को उन्होंने दीवाना बनाया। पंजाबी पॉप कल्चर आप देख लें, पंजाबी गाने पूरी दुनिया में इस वक्त मशहूर हो रहे हैं, और इसका सारा क्रेडिट हमारे सिख भाइयों को जाता है जो पूरी दुनिया में मौजूद हैं। और आप देखें कि कैनेडा, अमेरिका में जो पंजाबी कल्चर है वो बहुत तेज़ी से फैलता जा रहा है, मेरे ख्याल तीसरे नंबर पर है जो सबसे ज़्यादा ग्रोथ पर है, जो कल्चर जो सबसे ज़्यादा वहाँ पर ग्रो कर रहा है, और वो किसकी वजह से है? वो हमारे सिख भाइयों की वजह से, जिन्होंने ज़िंदा रखा है अपनी रवायात को, और मतलब लोग उनसे, लोग उसको पसंद करते हैं, लोग उनको कोई हकारत की नज़र से नहीं देखते कि ये कोई छोटे लोग हैं, बल्कि लोग उनके फ़न में, उनका जो मज़ा है, वो जो इंजॉय करते हैं, लोग उसमें शामिल होते हैं। मतलब आप अपने रंग में दुनिया को रंगो, बजाय के दुनिया के रंग में रंगने की कोशिश करो, और दुनिया भी आपको इज्जत तब भी देती है जब आप खुद अपने कल्चर, अपनी आइडेंटिटी को एम्ब्रेस करते हैं, ना कि उससे भागते हैं, उसको रिजेक्ट करते हैं कि यार मेरा इससे कोई लेवल कम हो जाएगा। आप उर्दू ज़रूर बोलें, वो हमारी सरकारी लैंग्वेज है उर्दू, लेकिन मैं ये सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जितनी हमारी मदर लैंग्वेजेज़ हैं, जो हमारे एरिया की लैंग्वेजेज़ हैं, हम सब उसको बोला करें और उसमें कोई शर्म महसूस ना किया करें। अब आप खैबर पख्तूनख्वा की बात कर लें, वहाँ पे जो हमारे पठान भाई हैं वो तो नहीं शर्माते जी कि हमने पश्तो नहीं बोली, हमारा लेवल कम हो जाए या हो जाएगा। या आप अंदरून सिंध में चले जाएँ, वहाँ पर सिंधी खुल के बोली जाती है, या आप सदरन पंजाब में चले जाएँ, वहाँ पर सराइकी खुल के बोली जाती है। मतलब ये सिर्फ पंजाब में एक ऐसा कल्चर आ गया है कि जी लोग शर्म महसूस करते हैं। अब इसमें ऑब्वियसली कुछ रीजंस हिस्टोरिकल भी हैं, मतलब हिस्ट्री में हमने देखा कि जितने भी बाहर से यहाँ पर हुक्मरान आया ना, उन्होंने हमेशा अवाम को डिवाइड किया है,
डिवाइड एंड रूल के तहत वो चले हैं, चाहे वो आपके मतलब मुगल्स हों या मतलब ब्रिटिश एम्पायर हो, उन्होंने यही फिलॉसफी खेली है। क्योंकि एक इसकी बहुत बड़ी रीज़न थी कि हमारा जो पंजाब था वो बहुत ज़्यादा रिच था हर एस्पेक्ट में। हमारा कल्चर, हमारी इकॉनमी, हमारी ज़मीन, इसका कोई मुकाबला ही नहीं है। दुनिया की मोस्ट ज़रखेज़ लैंड्स में से है ये आपका जो पंजाब है। तो इस वजह से यहाँ पर जो पावर कॉरिडोर्स आए हैं ना, जितनी भी इस्टेब्लिशमेंट्स आई हैं, उन्होंने यहाँ पर रूल करने का एक ही अच्छा तरीका समझा कि अवाम को डिवाइड रखो। और अवाम में फिर क्या एक मेंटेलिटी आती गई, नीचे से जो लोग ऊपर आना चाहते थे, जो इस्टेब्लिशमेंट या हुकूमतों का पार्ट बनना चाहते थे, वो उनकी चापलूसी करते गए और उनके जो रंग होते थे वो हमारे जो हमारा जो बेसिक कलर है, जो ब्राउन कलर है हमारा, जिस पर हमें फ़ख्र होना चाहिए, लोग उनके साथ जब मतलब हुकूमतों के साथ रहने की कोशिश करते थे, उनका मोस्टली हमारे से कलर फेयर होता था। तो इस बेस पर मतलब आम जो लोग होते थे उनको मतलब उनको तजलील किया जाता था कि यार ये देखो मैं हुकूमत के साथ हूँ, तुम्हारा तो कलर भी नहीं ऐसा। और वो फिर हमारे कल्चर में आहिस्ता आहिस्ता ये रिवाज बनता गया, ये आपकी जो फेयरनेस क्रीम्स हैं। अफसोस की बात है कि अपने कल्चर को, अपने रंग को भी जो कौम मतलब कबूल नहीं कर सकती, उसका क्या बनेगा यार। ये इसकी कुछ हिस्टोरिकल रीजंस हैं जिसको हमने मिलकर चेंज करना है। अब जैसे हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि मैं डिफरेंट कंट्री में जाऊं, मतलब मेरी डिफरेंट हो सकती है, आपकी डिफरेंट हो सकती है। पाकिस्तानियों का अगर हम देखें, हम सबको टर्की जाने का बहुत शौक है, क्योंकि ऑब्वियसली उनके ड्रामास, उनका टूरिज़्म, ना सिर्फ पाकिस्तानियों को, पूरी दुनिया में एक बहुत ज़्यादा करिश्मा है टर्की के टूरिज़्म का। वो क्यों है? क्योंकि वो वहाँ पर उनका एक कल्चर है जो ज़िंदा है, वो अपनी लैंग्वेज बोलते हैं। उर्दगान को आप देख लें, उन्होंने एक ट्रांसलेटर रखा होता है, वो इंग्लिश में बात नहीं करते। जर्मन चांसलर की आपको एग्जांपल दी, मेसी रोनाल्डो की एग्जांपल दी, और ये जो तरक्की याफ्ता ममालिक की मैंने आपको एग्जांपल दी, ना सिर्फ इनकी इज्जत है, इनकी इकॉनमी ज़बरदस्त है, इनका टूरिज़्म फलता फूलता है अपने कल्चर की वजह से, और ये लोग अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं जब भी किसी इंटरनेशनल फोरम पर जाते हैं, यूएन वगैरह में। तो अगर हम लोग चाहते हैं ना कि हमारी दुनिया इज्जत करे, हमारी भी इकॉनमी फले फूले, हमारा जो ट्रैवल एंड टूरिज्म है वो ग्रो करे, तो सबसे पहले हमें अपने कल्चर को एम्ब्रेस करने की ज़रूरत है। ये सब चीज़ें फिर खुद ब खुद होंगी। आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता चलूँ अयूब खान के बारे में, जिसको हम बहुत ज़्यादा मतलब पाकिस्तानी उनको पसंद करते हैं, उनके जो स्टाइल ऑफ गवर्नेंस था। वो अपनी बेटी को ले जाया करते थे डिफरेंट, वो जब दौरे करते थे डिफरेंट ममालिक के, स्पेशली अमेरिका या इंग्लैंड वगैरह के, हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, तो उनकी जो बेटी थी वो बहुत ग्रेसफुल थी, बहुत ही एलिगेंट थी, वो साड़ी पहना करती थी उस वक्त। और आपको ये जानकर बहुत हैरत होगी, ये वीडियो आप लाजमी देखिएगा, यूट्यूब पर मौजूद है, मलका बरतानिया का जब हमने इस्तकबाल जब करते होते थे, या कोई भी दूसरा हेड ऑफ़ द स्टेट पाकिस्तान में तशरीफ़ लाया करते थे, तो उस वक्त हम उनकी जो ओपनिंग सेरेमनी वगैरह है, जो भी कोई तकरीब होती थी, उसमें एक डांस हुआ करता था। उसमें औरतों ने वो साड़ियाँ और वो जो डिफरेंट जो हमारा इस वक्त कल्चर है, जो अफसोस के साथ अगर आज की गवर्नमेंट वो करे ना, कोई भी हुकूमत हो, नून लीग, पीटीआई, कोई भी, तो आज उसको वैसे ही हम गद्दार करार दे देंगे कि तुम इंडियन कल्चर को प्रमोट कर रहे हो। और सोचें अगर आज की हमारे हेड ऑफ़ द स्टेट की कोई बीवी या बेटी साड़ी पहने इस तरह के दौरों पर, तो हम कहेंगे तुम तो भारतीय कल्चर को प्रमोट कर रहे हो। नहीं यार, नहीं, ये हमारा अपना कल्चर था जिसको हम भूल चुके हैं। आप वो ज़रा डांस देखें, वो आपको पता नहीं लगता कि यार ये बांग्लादेश है या इंडिया है, बल्कि वो पाकिस्तान था। और आज वो चीज़ बांग्लादेश और इंडिया वाले, इंडिया के कुछ एरिया में उन्होंने नहीं भूली उस चीज़ को, लेकिन हम अपनी उस चीज़ को, अपने उस कल्चर के एक हिस्से को रिजेक्ट कर चुके हैं। बहुत अफसोस के साथ कि यहाँ पर कुछ लोगों ने एक बहुत ही एक प्रोपेगेंडा, एक कैंपेन के तहत यहाँ पर कुछ चीज़ों को हराम, कुछ चीज़ों को हमारे कल्चर से निकाल दिया जी, एक तरीके के साथ। ये पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड, सॉरी टू से, इसमें इनका एक बहुत बड़ा किरदार है कि इन्होंने कई चीज़ों के बारे में फजूल की नफरत पैदा की है, जिसको अब हमें रिवर्स करना पड़ेगा। अब उम्मीद है मुझे कोई यहाँ पर गद्दारी का ताना नहीं देगा, क्योंकि अयूब खान को तो नहीं आप गद्दार मानेंगे, उनकी बेटी साड़ी पहना करती थी और वो जिस तरह के फंक्शन अरेंज करवाया करते थे, जिस तरह का वो कल्चरल जो डांस होता था, साड़ी पहनी वो जो औरतें और वो बिंदियाँ उन्होंने लगाई होती थी, ये सब हमारे कल्चर का हिस्सा था जो हमने आहिस्ता आहिस्ता एक तरीके से निकाला है और उसको हमने नाम दे दिया जी कि इंडियन कल्चर है। ये भाई आपका अपना कल्चर था, ये पूरे बरे सगीर का कल्चर था। तो इकॉनमी को तगड़ा करने के लिए, टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए और हिस्ट्री क्रिएट करने के लिए हमें अपने कल्चर को आज से ही एम्ब्रेस करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका कल्चर बहुत ज़्यादा रिच है, इसमें बहुत पोटेंशियल है कि ये पूरी दुनिया को अपने रंग में रंग सकता है।
और ये बात हमें समझनी पड़ेगी कि किसी कौम के लिए कल्चर कितना ज़रूरी होता है। जो कौम अपने कल्चर को भुला देती है ना, दुनिया फिर उसे भुला देती है। आज थाईलैंड में अगर वो सारी चीज़ें ना हो ना, जो आप में से अगर कोई गया हो तो वो जितनी वो चीज़ें विज़िट करवाते हैं अपने कल्चर से रिलेटेड, आज अगर वो कहें जी हमने तो अंग्रेज़ बनना है, तो उनका टूरिज़्म आज ही ठप हो जाएगा थाईलैंड का। आप लोग वहाँ पर इंजॉय इसलिए करने जाते हो क्योंकि आप उनका कल्चर इंजॉय करना चाहते हो। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि यार पंजाब का जो टूरिज़्म है वो फले फूले, आप अपने कल्चर को अडॉप्ट करें। मतलब अफसोस के साथ यहाँ पर अगर कोई बाहर से बंदा आता है, वो गिलगित बल्तिस्तान केपी के वगैरह तो बड़े शौक से जाता है, लेकिन पंजाब में भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। क्यों वो क्यों नहीं, मतलब वो ज़्यादा हाईलाइट होता है? क्योंकि हमारी अप्रोच ही नहीं है वैसी। तो आइए अहद करें कि आज से हम अपनी ज़ुबान, अपना कल्चर, हमारी जो ट्रेडिशंस हैं उनको एम्ब्रेस करें, ना कि उनको रिजेक्ट करें, ताकि दुनिया हमें याद रख सके। और अगर हमने अपनी इन चीज़ों को ना अपनाया ना, तो हमारा नाम हिस्ट्री के सफ़ों से भी मिट जाएगा।